आकाश गुर्जर एनकाउंटर मामला यूपी पुलिस और बीजेपी के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा है। मंगलवार को आकाश गुर्जर के समर्थन में मध्य प्रदेश में गुर्जर समाज के हजारों लोग सड़क पर उतरे हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि आकाश गुर्जर के परिजनों को उत्तर प्रदेश सरकार 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि आगरा में कुछ बड़े कार्यवाहक अधिकारियों के इशारों पर हुए फर्जी एनकाउंटर की न्यायिक जांच हो और मृतक आकाश गुर्जर के पीड़ित परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाए। भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश को फर्जी एनकाउंटर स्टेट ना बनाए। बता दें कि 2022 में 21 साल के आकाश को आगरा पुलिस ने खनन तस्कर बताकर गोली मार दी थी, जबकि आकाश मध्य प्रदेश से आगरा में अग्निवीर की भर्ती देखने आया था। इस मामले में आकाश के परिजनों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। करीब 6 महीने तक सुनवाई के बाद आगरा जिला कोर्ट ने माना कि यह एनकाउंटर फर्जी है और एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। वहीं मध्य प्रदेश में गुर्जर समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया और पीड़ित परिवार को नौकरी और 1 करोड़ रुपए देने की मांग की। आकाश की मां का भी रो रो कर बुरा हाल है।